एक सफेद शेर और एक सफेद बाघ एक जंगल में बहुत दोस्ताना थे। सफेद शेर बहुत अच्छा और शक्तिशाली। सफेद शेर जंगल के सभी जानवरों का राजा था। सफेद बाघ ने मंत्री बनकर राजा की मदद की। एक दिन सफेद शेर ने सफेद बाघ को पुकारा, ओह मेरे दोस्त, आप जाओ और एक बार में सभी जानवरों को बुलाओ, सभी से मिले और उस बैठक में मैं सभी को एक बात बताऊंगा। फिर सफेद बाघ आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है महाराज, मैं अब सबको बता दूंगा और इसे वापस लाऊंगा। सफेद बाघ सभी के पास जाकर कहता है, ओई दोस्तों, आज हमारे महाराज हम सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं और एक बात बताना चाहते हैं, ताकि आप सभी तुरंत हमारे मिलन स्थल पर आएं। जल्द ही सभी जानवर सफेद शेर के पास जाते हैं जो राजा है। तब सफेद शेर ने कहा, प्रिय जानवरों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपने जंगल में रह रहा हूँ और हम सभी की बहुत मदद कर रहा हूँ। मैं दूसरे जंगल में जाऊंगा और नई चीजें सीखूंगा और आऊंगा और सभी की मदद करूंगा। तब तक हमारा सफेद बाघ आप सभी का राजा है। आप सभी को इस सफेद बाघ को सुनना है, वह कहती है और जंगल छोड़ देती है और अन्य सभी जानवर सफेद बाघ को अलविदा कहते हैं और छोड़ देते हैं। जब सफेद शेर नए जंगल में जाता है तो आकाश से एक अजीब वस्तु आती है, जिससे एक आकार की वस्तु आती है और सफेद शेर में प्रवेश करती है और अचानक सफेद शेर जमकर चिल्लाता है, और अपने जंगल में चला जाता है। सफेद बाघ नीचे शिकार करता है और प्रत्येक जानवर को मारता है। फिर सफेद बाघ सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और पूछता है कि सफेद शेर इस तरह से सभी जानवरों का शिकार क्यों करता है। तो एक मैमथ आगे आता है और कहता है, चलो उस जगह पर चलते हैं जहां हमारा सफेद शेर चला गया है, चलो देखते हैं कि क्या हुआ, अगर हम जानते हैं कि क्या हुआ। सफेद शेर जानता है कि क्या हुआ था। जब वह कहता है कि सफेद बाघ गाय विशाल हाथी को जाने और देखने के लिए कहता है, इसमें से एक राक्षस हाथी आता है और विशाल हाथी पर कुचल दिया जाता है। फिर विशाल हाथी और राक्षस हाथी के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और अंत में जब राक्षस हाथी मर जाता है यान से एक जादू की छड़ी निकलती है और विशाल हाथी और गाय जाते हैं और इसे सफेद शेर पर फेंक देते हैं, यानी सभी एक बार सफेद शेर पर सफेद शेर फेंक दिया जाता है। तब से सफेद शेर, सफेद बाघ और विशाल हाथी एक साथ है।